अचीव एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट एपिसोड। और अब बहुत सारे मेहनत और कठिनाइयों के बाद फाइनली कछुएश्वर और कछुएश्वरी एक साथ हसी अंदा में उनके घर पर। हमने उनके लिए एक नया स्पेशल हक्कू 3 बना दिया है जो सिर्फ उन दोनों का ख्याल रखेगा। तो आई थिंक सो इसके बाद ना उनमें से कोई किडनैप होएगा ना उनमें से कोई बाहर जा पाएगा। इससे ऑलमोस्ट 3 एपिसोड पहले उन दोनों की शादी हो गई थी और शादी के बाद एक चीज तो रह गया था। मैं जानता हूं तुम लोग कितने बड़े कमीने हो। ये देखो साले बिन बुलाए मेहमान। यार मेरे को लग रहा है ये कि सुहाग रात रात में नहीं सुहाग दिन करना पड़ेगा हमें। कछुएश्वर और कछुएश्वरी के लिए हमने सी ग्रास ले लिया है। ए, 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 ओ, साले तू पानी में कैसे मार रहा है मुझे पागल। रुक साले चुप मत मारूंगा तेरे को। साले तू समझता क्या आपको में बनेगा तू। अरे यार ये इधर क्यों है। इसको दूर ले गया। आजा 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 बच्चा इधर इधर आजा। यू 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 नूप। ओके गाइस आर यू रेडी फॉर दिस गाइस। क्या तुम लोग तैयार हो। चैट के सारे हरामी बच्चे तैयार हो गए। ओए पोलो 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 गोलो पोलो 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 गोलो गोलो पोलो पोलो तेरे लिए मैं नया घर बनाएगा। टेंशन मत ले तू फिलहाल चिल मार ठंडी बर्फ में। यस आई नो चिल मार तू तेरे लिए नया घर बनाएगा। एंड पोलू आंखें बंद कर लो। मुर्गी 1 मुर्गी 2 तुम दोनों अभी चाचा मामा वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। तुमको जो बनना है बन जाओ ठीक है तुम्हारे ऊपर है। पोलू तो मामा बन रहा है। पोलू तो भाई लड़की वालों की तरफ से आया था तो वो तो मामा बनने वाला है उसका तो अलग ही सीन है। रही बात हगोड़े की हगोड़ा तो ये तो चाचा बनेगा कॉज है ना हगोड़ा ये तो पहले से कछुएश्वर को जानता है। आइए कछुएश्वर कछुएश्वरी क्या तुम दोनों तैयार हो। आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे आओ 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 इट इज योर टाइम यू गाइज हैव अर्न्ड इट। ये तुम्हारा समय है अभी तो। एलो एल एल कछुएश्वरी तू नहीं खाएगी। कछुएश्वर तो खा लिया ये क्यों नहीं खा रही है। मारू गए अब खाएगी अब अभी नहीं खा रही है। ये तो थोड़ा सा स्कैम हो गया। इसने फिर से खा लिया। ओ ओ आई थिंक पहले कछुएश्वरी ने खाया था या पहले कछुएश्वर भाई घास खा लिया अंडे नहीं दिए। वेल चलो छोड़ो शायद से ऐसा हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस हो रहा है तो है ना मे बी हो सकता है कि हमारे सामने कुछ नहीं करना चाहेंगे। यू नो इट हैपेंस एवरीबॉडी गेट्स कॉन्शियस व्हेन समबडी इज वॉचिंग। अपन ना दूर से देखते हैं दूर से ठीक है ऐसा कुछ कर रहा है क्या। अंडा दिया क्या अंडा अंडा किधर अंडा 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 ये अंडा देना 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 अंडा देना अंडा देना। I have no idea क्या हुआ यहाँ पर but safe to assume that the husband and wife has decided to not have kids yet. Totally their own choice. हम decide करने वाले कोई नहीं होते guys. हम बोलने वाले कोई नहीं होते। ये उन दोनों का अपना personal choice है तो हम लोग भाई agreed है। Personal choice है सही है जो करना चाहते हो सही है। पर यार अंडे देते तो ज्यादा मजा आता। अब आते हैं आज के मेन मुद्दे। आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं फ्लाइंग मशीन्स। अब जब से मैंने ये अंडरग्राउंड वाला बनाया है तुम लोगों को पता है कि ये वाला कितना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये ठीक से मैं कर नहीं पाया था तब से ये ऐसे खुला हुआ है और ये भाई ऐसे ऐसे पानी चले जाता है और ठीक से होता भी नहीं है चीज। तो उस समय मैं सोच रहा था कि इसको हम लोग कैसे करें तो किसी ने मुझे कमेंट में आइडिया दिया था कि स्लाइम ब्लॉक से अपने आप को जंप करो। और एक्चुअली मेरा मेन प्लान वही था कि स्लाइम ब्लॉक से अपने आप को ऊपर फेंकेंगे। पर देन एक दिन मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था और मुझे एक वीडियो मिला जिसमें था फ्लाइंग मशीन। और फ्लाइंग मशीन क्या है। फ्लाइंग मशीन बेसिकली एक मशीन है जो उड़ता है। आई नो बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। तो बेसिकली फ्लाइंग मशीन जो है वो स्लाइम ब्लॉक और पिस्टन से बनता है जिसमें क्या होता है वो पिस्टन स्लाइम ब्लॉक को खींचता है और ये स्लाइम ब्लॉक पिस्टन को धकेलता है फिर वो खींचता है फिर वो धकेलता है फिर वो खींचता है फिर वो धकेलता है और वो ऐसा 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 आगे जाता रहता है। ओके सबसे पहले ना मैं ये पूरा पानी वाले एरिया को क्लियर करता हूँ ताकि मैं इस फ्लाइंग मशीन को बना सकूँ। ओके थोड़ा सा डर्ट लेके इसको पूरा अपन डर्ट से भर देते हैं। ओ शिट अब मैं ऊपर कैसे जाऊं ये सोचा ही नहीं मैंने तो। ओके तो ये स्टिकी पिस्टन्स को मैं इधर से तोड़ लूंगा इन सब चीजों को। ओके तो अपना फ्लाइंग मशीन के साथ प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ पर के जो दो ब्लॉक्स है जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा ये जो दोनों ब्लॉक्स है ये दोनों ब्लॉक सीधा जमीन के अंदर चले जाएंगे और मैं सीधा यहाँ पर आ जाऊंगा।
जिसके बाद हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं, अपना जो भी काम करना है कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा काम हो जाए हम वापस यहाँ पर आके बैठ जाएंगे और यहाँ पर बटन को प्रेस कर देंगे। पर इसका डाउनसाइड एक ही है कि जब तक मैं अंदर रहूंगा ये जो ऊपर का जो ये छेद है ये खुला रहेगा। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक हम अगर यहाँ से एक और पिस्टन बनाए जो इसको बंद कर दे या चालू कर दे या कुछ तो ऐसे ही कुछ तो प्लान कर ले कि ये पूरा रेडस्टोन जो हमने लगाया था सब चेंज भाई। ओके गाइस, तो मैंने ये मशीन को ही बना के ट्राई नहीं किया है, मैं इसको पहली बार लिटरली यही पर ही बना रहा हूँ। लेट्स होप कि मैं कुछ हग ना दूं इसमें। ओके, अभी फ्लाइंग मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लाइम ब्लॉक्स। अब स्लाइम ब्लॉक्स का प्रॉब्लम क्या है? स्लाइम ब्लॉक्स अपने आसपास सारे ब्लॉक्स को खींच के ऊपर चले जा सकता है, जैसे कि वुड है इसको खींच लेगा, कॉबलस्टोन को खींच लेगा, डर्ट को खींच लेगा, पर देन स्लाइम ब्लॉक्स तीन चीजों को खींच नहीं सकता है, वो है ग्लेस टेराकोटा, फर्नेस और वो लावा का क्या बनता है, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन सबसे पहले चलकर स्लाइम बॉल लेकर आते हैं क्योंकि हमको स्लाइम बॉल बहुत ज्यादा लगने वाला है इन स्लाइम ब्लॉक्स को बनाने के लिए। ओ, ओ, अरे ओ, ओ, ए, ए, अरे खुद से मर जाओगे तुम तो। नाइस, अबे शिट, बस इतना जमा हुआ है क्या? ओ शिट, आई डोंट नो इससे कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ओके, एक स्लाइम, आई थिंक अपने को कम से कम चार स्लाइम ब्लॉक तो लगने वाले इस फ्लाइंग मशीन को बनाने के लिए, और हम लोग को उसके साथ साथ एक्स्ट्रा दो तीन तो लगने ही वाले जिसके साथ साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे कर सके। तो अभी के लिए मैं छह स्लाइम ब्लॉक बना लेता हूँ, हमें लगेंगे दो ऑब्जर्वर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमको लगने वाला है वो है पिस्टन, स्टिकी नहीं नॉर्मल पिस्टन। ओके, अभी प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि जहां पर भी ये स्लाइम ब्लॉक लगेगा उसके आसपास हमें सब कुछ फर्नेस का बनाना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ नीचे खिंच ना जाए। हम लोग को फर्नेस अभी बहुत सारे लगने वाले, बहुत मतलब जब मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब समझ रहा हूँ कि हमको बहुत सारे लगने वाले। नसीब अच्छा है कि फर्नेस बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ कॉबलस्टोन लगता है। ओ भाई, मैं ये हाथ से कर भी नहीं सकता हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर और नीचे जाने वाला है, जितने भी ब्लॉक्स ये स्लाइम टच करने वाला है उन सब में हमें स्लाइम लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये साइड और ये साइड। सबसे पहले दो स्लाइम ब्लॉक, ऐसे ये दो स्लाइम ब्लॉक कनेक्ट हो गए हमारे फ्लाइंग मशीन से और उस प्लेटफॉर्म को नीचे खींचेगा और ऊपर लेकर जाएगा डिपेंडिंग। और यहाँ लगेगा हमारा ऑब्जर्वर, फिर ऑब्जर्वर के बाद लगेगा इधर एक स्टिकी पिस्टन। ओह शिट, ये फ्लाइंग मशीन ऑलरेडी हमारे ग्राउंड लेवल पे, हमें इसे खोदना पड़ेगा। बिग रेनोवेशन गाइस। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर लगेंगे दो स्लाइम ब्लॉक्स और उसके बाद यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर लगेगा दूसरा ऑब्जर्वर और इस ऑब्जर्वर के बाद यहाँ लगने वाला है अगला स्टिकी पिस्टन। और शिट, अपने को अभी एक और स्लाइम ब्लॉक चाहिए, ये अगला स्लाइम ब्लॉक लग जाएगा यहाँ पर और अभी हमें इसे तोड़ देना है। तो ये बन चुका है हमारा बेसिक, और इसे भी तोड़ देना। ओ नहीं 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 शिट 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 शिट, अरे ये ऊपर चला गया है, रुकेगा भी नहीं। ओ शिट, इसको कैसे रुकूं मैं भाई, ये चले जा रहे हैं ऊपर भाई, ये ऊपर भाई आसमान पहुंच, अरे उसे नहीं तोड़। गाइस सब लोग आग बंद कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, तुमने कुछ नहीं देखा, सब लोग प्लीज आग बंद कर लीजिए। ओ शिट, नहीं 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 नहीं, ये कहाँ लेकर आ गया हमें? ओ भाई, अभी नीचे कैसे जाएगा, अभी नीचे कैसे जाएगा? अरे यार, सारा मेहनत बर्बाद हो गया, अभी फिर से नीचे जाके पूरा बनाना पड़ेगा अपने को। तकलीफ की बात ऐसी है कि इसको नीचे जाके बना तो लेगा पर अभी इधर से मेरे को कूदने का है। पानी 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 पानी, ता जगह रहते साला वो लोटस के पत्ते पे गिरा के। अब हमें फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, अब हमें फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। ओके, एक तरह से देखा जाए तो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर अटकाने का कुछ बनाया नहीं था। ओके, नाउ आई गेट इट कि मैंने क्या गलती की थी। मैंने जो फ्लाइंग मशीन है उसको मैंने एग्जैक्टली इसके नीचे बना दी, पर मुझे फ्लाइंग मशीन को इसके एक ब्लॉक आगे बनाना ताकि मैं उसको रोक सकूं एक फर्नेस लगा के। ओके, मैंने एक चीज गलत किया, मुझे स्लाइम ब्लॉक यहां नहीं डालना है, मुझे नीचे गिर गया, मुझे स्लाइम ब्लॉक का कनेक्शन यहां से करना है।
तो अभी ये जो हमारा फ्लाइंग मशीन है ये अटैच हो चुका है ऊपर इसके साथ, और अभी ये एंश्योर करने के लिए कि फ्लाइंग मशीन उड़कर कहीं भी ना चला जाए, जैसे अभी हो गया था कि उड़ के आसमान पहुंच गया था, हम यहाँ पर एक फर्नेस लगा देंगे। तो ये जो स्लाइम है वो इस फर्नेस पे आके अटक जाएगा। अभी हम इसको तोड़ देंगे, पर अभी ये नीचे जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने उतना भी कुछ कांड नहीं किया, हमने अभी तक कुछ खास कांड नहीं किया, इट्स फाइन, इट्स स्टिल फाइन। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये सब कुछ सही सही चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म साथ साथ नीचे चला गया। हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म अभी के अभी नीचे जाए, पर देन ये काम कर गया। अब ये फ्लाइंग मशीन चालू कैसे होता है? जब भी ये ऑब्जर्वर के सामने एक कोई भी ब्लॉक मूव होता है, ये फ्लाइंग मशीन नाचना चालू कर देता है। तो वो ब्लॉक के सामने के मूवमेंट के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर एक पिस्टन। तो जितने बार हम बटन को प्रेस करेंगे ये पिस्टन जो है एक सिग्नल छोड़ेगा और उससे ये फ्लाइंग मशीन हिलना चालू हो जाएगा। स्लाइम ब्लॉक के साथ साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फर्नेस। तो जैसे ही हम इस ब्लॉक को तोड़ देंगे ये फ्लाइंग मशीन ऊपर जाना चाहिए और जाके जगह पे रुक जाना चाहिए। ओके ओके, ओ यस गाइस, ये काम कर रहा है, ये काम कर गया, ओ यस नाइस। अभी इस फ्लाइंग मशीन के नीचे के हिस्से को बनाना है हमें। तो ये फ्लाइंग मशीन के अंदर जाने के लिए हमने पूरा जगह बना लिया है कि यहां से ये फ्लाइंग मशीन अंदर जाएगा। ओके, तो ये फ्लाइंग मशीन जब इतना नीचे जाएगा तभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ये ग्राउंड लेवल पे रहेगा। ओके, अब चीज ऐसा है कि अगर ये फ्लाइंग मशीन यहां तक आ रहा है तो हमारा एक फर्नेस जाएगा यहाँ पर ताकि ये स्लाइम ब्लॉक को इधर रोक ले, और ये जो जगह है यहाँ पर आएगा अपना पिस्टन। तो ये पिस्टन यहाँ पर पावर देगा और इस पिस्टन के यहाँ पर मारने से हमारा फ्लाइंग मशीन फिर से ऐसे ऊपर जाने लगे। अभी हमें इस पिस्टन के सिग्नल को ऊपर तक लेके आना है जिससे हम यहाँ पर एक बटन बना सके जिसको प्रेस करते ही ये पिस्टन फायर होगा और हमारा फ्लाइंग मशीन ऊपर आना चालू हो जाएगा। ओके, तो गाइस नीचे का सर्किट बनाने से पहले एक बार ऊपर से नीचे जाने का मैकेनिज्म को ट्राई कर लेते कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बटन जिसको प्रेस करते ही ये फ्लाइंग मशीन नीचे चुपचाप जाना चाहिए। 3 2 1 गो। इमेजिन करो ये चीज एक्चुअल में, ये बटन को प्रेस करेंगे और हम ऐसे नीचे आ जाएंगे, फिर जैसे हमारा हो जाता है हम यहाँ पर आएंगे, एक और बटन प्रेस करेंगे हम फिर से ऊपर। ओ नाइस, अभी अपने को बस यहाँ से रेडस्टोन का एक तार ऊपर लेके जाना है जिस तार को हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर एक बटन से। ओके, तो जो मेन मेहनती काम था वो हो चुका है, मेन चीज जो है वो तैयार हो चुका है। अभी से हम लोग को इसे डेकोरेट करना है जिससे ये गंदा ना दिखे। 37 फर्नेस गाइस, 37 फर्नेस। ओके, और फर्नेस लगा लेते हैं। ओके, तो ये फर्नेस का वॉल तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे हमें सामने कुछ ऐसा वॉल दिखने वाला है। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम बटन को कुछ यहाँ पर बनाएंगे जिससे हम कंफर्टेबली यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे और इस बटन को प्रेस कर देंगे जिससे एक रेडस्टोन का सिग्नल नीचे जाएगा और वो पिस्टन मूव होगा और हम सीधा ऊपर जाने लगेंगे। ओके, तो हमारे रेडस्टोन का जो तार है वो यहाँ तक आ चुका है जिससे कि अभी अगर हम इसको पावर करें इस फर्नेस को तो ये हमारा नीचे से ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो हमारा बटन तैयार है और जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे नीचे का जो हमारा पिस्टन है वो मूव करेगा और हमारा जो ये पूरा फ्लाइंग मशीन है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये ऊपर चले जाएगा। ओके, तो गाइस प्रेस करके ट्राई करते हैं और लेट्स होप कि कुछ गलत ना हो। प्रेस, शिट, कुछ हुआ नहीं। मेरे को तो कुछ गलत दिख नहीं रहा था, बट लेट्स होप कि ये जो भी दिक्कत था वो सही हो जाए। अब ट्राई करते हैं। 3 2 1 मेरे को नीचे फेंक दिया, मेरे को इस बात का कोई गम नहीं है, पर लेट्स होप कि ये ऊपर पहुंच गया हो। ओह शिट गाइस, गाइस इट वर्क्स, इट वर्क्स। अपना फ्लाइंग मशीन जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये काम कर रहा है, हमारा एलिवेटर काम कर रहा है। वेट, हम इसको क्या बोला है, फ्लाइंग मशीन की, एलिवेटर की, फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, क्या बोला इसको? फिर से नीचे जाएंगे। क्या
मस्त चीज है यार, ये क्या मस्त चीज बनी है। जितना भी खाली ब्लैंक स्पेस है इन सब चीजों को भर देंगे फटाफट फटाफट। इस पूरे एरिया को हमें सिर्फ फर्नेस से भरना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले ना हम लोग इसको ऊपर से भर लेते ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें कितना और भरना है और कितना नहीं भरना है। ओके, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आएगा और हमें इसको भर देना है और फिर हमें इस जगह को भरना है और इसको भर देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी किया है कुछ हगा तो है नहीं, और लेट्स होप कि इसके आगे मैंने सब कुछ ठीक ठीक बुद्धि लगाया हो और कुछ ना हगे। भाई अपने को और फर्नेस लगने वाला है। किसी ने काउंट रखा है हमने कितने फर्नेसेस यूज किया अभी तक? एक फर्नेस कम पड़ गया, मुझे लगा ही था फर्नेस कम पड़ेगा। कैन यू बिलीव इट गाइस, मेरे डब्बे से सारे कॉबलस्टोन खत्म हो गए। ओके, तो दैट्स इट। एक बार चलकर इसे हम लोग मेन जगह से देखते हैं कि ये सही सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल लुक। और ओ नहीं, यहाँ पर और फर्नेस लगने वाले। ओके, यहाँ पर पूरा हम स्लैब्स भर देंगे जिससे यहाँ पर कुछ स्पॉन ना हो सके और ऐसे खड्डों को भर देंगे। ऑल्दो मेरे को मैसिव डाउट आ रहा है कि ये डर्ट भरने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो मैं हगेगा। ओ शिट, एक लफड़ा हो गया। ये जो स्विच था वो स्विच इसके साथ साथ मूव हो गया। ओ शिट, चेंज ऑफ प्लान गाइस, चेंज ऑफ प्लान। वहां बटन नहीं लग सकता, हमें बटन अभी कहीं और लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो बटन होगा वो बटन अब लगने वाला है यहाँ पर। नसीब है, नसीब है, ध्यान रख। मैंने स्लाइम ब्लॉक तोड़ दिया, मैंने स्लाइम ब्लॉक तोड़ दिया, हक दिया हक दिया हक दिया। ओके, और कुछ खास नहीं हगाओ, कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। तो अब चलकर एक टेस्टिंग करते हैं कि ये सही से हमें ऊपर लेकर जा रहा है या नहीं। ओके, हमें एग्जैक्टली इस पे खड़े होना आके और प्रेस करना इसे। ओह शिट, ओ आई थिंक ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो सिग्नल नीचे पहुंच ही नहीं रहा होगा। अभी अपने को बनाना पड़ेगा एक रिपीटर। ओके, अभी हमें एक रिपीटर लगाना पड़ेगा थोड़े से डिस्टेंस पे। ओके, तो अभी अपन ने एक रिपीटर लगा दिया है। लेट्स होप कि ये रिपीटर काम करे और अभी ये प्लेटफॉर्म चालू हो जाए। 3, 2, 1 गो। अरे रिपीटर फिर से काम नहीं किया, इधर आके सिग्नल हक दे रहा है। ओ शिट, ये तो बहुत ज्यादा लंबा है। ओ भाई, अपने को एक और रिपीटर लगाया, मतलब यहाँ पर अभी अपन ने एक और रिपीटर बना लिया है। और जैसे अपन रिपीटर को यहाँ पर लगा देंगे ये फ्लाइंग मशीन सीधा ऊपर चले जाएगा। 3, 2, 1 गो। ओके 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 ओके, लेट्स होप ऊपर तक कुछ। ओ भाई क्या बना है, ऊपर देखकर कोई बोलेगा भी नहीं कि यहाँ पर फ्लाइंग मशीन है। ओ नाइस, एक बार ट्राई करते हैं। ये वाला है कि ये वाला है? ओ ये वाला है। ओके यस, आ ओ ये परफेक्ट। अरे यार, पर नीचे आते समय ना यार ये फर्नेस देखना पड़ रहा है यार, जो अच्छा नहीं लग रहा है फर्नेस देखते ऐसे। अच्छा, फर्नेस देखते तो नीचे कौन आना चाहता है? मेरे को ऐसा फर्नेस देखते तो नीचे नहीं आने का। ओके ओके, लेट्स हो अपन ने जो भी ये जुगाड़ लगाया ये काम कर गया। अभी अपन पहली बार अपने फ्लाइंग मशीन में ट्रैवल करके ऊपर चलते। ओके, 3, 2, 1 गो। परफेक्ट। ओ माय गॉड गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सही काम करेगा। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सही काम करेगा। ओ भाई ओपी, भाई बहुत ज्यादा ओपी। सो एनीवे गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुमको ये देखकर मजा आया होगा। ये फ्लाइंग मशीन में जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही बेहतर हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ ताकि तुमको हमारे अगले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।